दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं हेमाटोयूरिया पाइरिया फिकासल के बारे में। अगर कभी भी आपके यूरिन में यानी पेशाब करते वक्त उसमें ब्लड के सेल्स आ रहे हैं या फिर उसमें मवाद आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा जानकारी होने जा रही है जो हेल्थ रिलेटेड इस एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो केवल 5 मिनट से कम में भी होने जा रही है। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे केवल आपको जेन्युइन हेल्थ से रिलेटेड ही जानकारी मिलती रहेगी। बात करते हैं हेमाटोयूरिया एंड पाइरिया। फ्रेंड्स, जब भी आपके यूरोलॉजिकल्स ट्रैक के अंदर कहीं भी लेसन्स हो जाते हैं यानी घाव हो जाता है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपके यूरिन के अंदर माइक्रोस्कोप से देखने पे कहीं ना कहीं आरबीसी के सेल्स दिखाने शुरू होते हैं। बात करते हैं कि कितने सेल्स होते हैं, तब जा करके डॉक्टर से कंसीडर करता है कि आप हेमाटोयूरिया के शिकार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, 2-5 HPF में अगर सेल्स आ रहे हैं, HPF मतलब हाई पावर फील्ड रेंज, इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो हेमाटोयूरिया कंसिडर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है यानी पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पैथोजेनेसिस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसमें होता है कि कहीं आपको स्टोन्स का फॉर्मेशन, छोटे छोटे स्टोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसके वजह से भी आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरेटर्स वगैरह है, वहां पे घाव हो सकता है। या फिर अगर किडनी के अंदर स्टोन्स बनने हैं तो वहां में भी आपका घाव हो सकता है। उस घाव की वजह से जो ब्लीडिंग आ रहा है वहीं आपके यूरिन में ही दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो उसमें नियोप्लाज्म भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, या फिर टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। अगर लगातार आपको ये शिकायत मिल रही है कि आपके यूरिन के अंदर से ब्लीडिंग आ रहा है, तो कहीं ये IgA नेफ्रोपैथी या फिर पेलियोनेफ्राइटिस हो सकता है, या फिर इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि 9% केसेस में ये देखा गया है कि जो रीनल यूरोलॉजिकल लेसन्स होते हैं वही इसका प्रमुख कारण होते हैं, उसी के वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेगा, यानी जो पेशेंट रहेगा क्या शिकायत करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला है कि उसे दर्द महसूस हो सकता है लंबर रीजन में। लंबर रीजन जहाँ पे किडनी होती है वहाँ पे लंबर रीजन उसे कहते हैं, तो वहाँ पे उसको पेन महसूस हो सकता है, उसका कंप्लेन अपने चीप कंप्लेन में कर सकता है। साथ में इसमें पायरेक्सिया भी हो सकता है, अगर इन्फेक्शन इसका कारण है। और बात करते हैं तो इसके अंदर एनोरेक्सिया देखा जा सकता है, वेट लॉस देखा सकता है, तो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट के अंदर मेजर ये सब चीज़ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस या जांच करवाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग CBC कराएंगे, ESR कराते हैं और CRP करवाते हैं। साथ में हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग CT स्कैन भी करवा सकते हैं, सिस्टोस्कोपी भी करवा सकते हैं, पेलियोग्राफी भी करवा सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग ब्लड कल्चर भी करवाते हैं, यूरिन कल्चर भी करवाते हैं, और यूरिन एनालिसिस भी सबसे ज़्यादा प्रमुख टेस्ट में से लिखा जाने वाला एक होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पैथोजेनेसिस यानी मेन कारण क्या है। हो सकता है आप पहले से ही किसी ऐसे क्रोनिक इन्फेक्शन से जूझ रहे हो, उसके वजह से इन्फेक्शन आपके पूरे शरीर में सेप्टिसेमिया हो गया है, या फिर कहीं से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया है, और जैसे ही किडनी है उस वहाँ पे उसको फिल्टर कर रही है, तो फिल्टर करने से भी RBC के जो सेल्स वो पास आउट होकर के भी आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं, तो ये भी इसके कॉज देखे जा सकते हैं। तो ये आपके फिजिशियन ही कंसल्ट करते हैं कि इसका मेन पैथोजेनेसिस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट या गाइडलाइंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें गाइडलाइंस में स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स तो कल्चर किया जाता है, उसमें देखते हैं कि कौन सा स्ट्रेंथ इसमें रेजिस्टेंट हो गया है और कौन सा अभी भी इसमें स्पेसिफिक सेंसिटिव पाया जा रहा है, तो उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट में किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, साथ में अगर पायरेक्सिया वगैरह होता तो NSAID या फिर एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी डॉक्टर्स इसमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो बिना फिजिशियन के कंसल्ट किए बिना आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि चैनल पे आपको केवल हेल्थ से रिलेटेड ही पूरी जेन्युइन जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर होता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।